Hello students, so today we are going to solve exercise 10.2 question number 1. Okay, so this is exercise 10.2 question number 1. So kindly read the question. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeters. So that means this is a circle, this is the center. Okay, so take a point Q anywhere outside the circle. From the length, from the point Q, draw a tangent. So this is the tangent. So this point is Q. Okay. From the point of contact, this, you know, it is point of contact. I am joining to the radius. This is the radius. And this is the center O. And this I am joining to the point. So I got a triangle. Is it clear? You know that this angle is 90 degrees. Because angle between radius and tangent is 90 degree as per theorem 10.2. So this distance is 24 centimeter. So Q se leke C tak bachcho diya hai 24 centimeter. Maine aapko pehle se bataya tha ye triangle mein teen main cheez hai. QC is what? Dhyan se dekh lijiye, main likh raha hu. QC ko hum bolenge bachcho length of tangent. Theek hai bachcho, ये तो रेडियस हमको दिख ही रहा है. दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर. इज इट क्लियर? एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज, तो ये है बच्चों 25 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? डेफिनेटली आपको जब ओ क्यू पता है, सी क्यू पता है, तो आपको निकालना पड़ेगा क्यू सी विच इज रेडियस. फाइंड द रेडियस. ठीक है, तो चलिए बच्चों यहां लिख देते हैं गिवन. तो व्हाट एल्स इज गिवन? गिवन इज ओ क्यू इज 25 सेंटीमीटर एंड ओ सी इज नॉट गिवन. सी क्यू इट इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर. टू फाइंड बच्चों आपको निकालना है टू फाइंड विच इज ओ सी इक्वल टू आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो बच्चों थोड़ा सा प्रोसीजर कर लेते हैं. सो द प्रोसीजर इज दैट, सबसे पहले बच्चों ओ सी इज परपेंडिकुलर टू सी क्यू, ये आपको बोलना पड़ेगा. इस थ्योरम that is tangent and radius are perpendicular to each other through the point of contact. So now we are going to get into the triangle. In triangle OCQ angle C equal to 90 degree. ठीक है बच्चों, तो आप बोल सकते हैं 90 के ऑपोजिट में होता है hypotenuse. So I can write OQ square equal to OC square plus CQ square. OQ कितना है बच्चों? This is 25 square equal to, this is R square plus 24 square. So bring 24 this side. So this is 25 square minus 24 square equal to R square. ठीक है बच्चों, अब A square minus B square लगा लीजिए. 25 plus 24 इक्वल टू आर स्क्वायर. बच्चों मैंने ये आइडेंटिटीज लगा दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी. इसमें एडवांटेज क्या है, आपको इसका स्क्वायर अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट लोगों को स्क्वायर निकालने में दिक्कत होता है. ठीक है बच्चों, तो 25 माइनस 24 इज 1 एंड दिस इज 49 इक्वल टू आर स्क्वायर. स्क्वायर को यहाँ ला दीजिए, रूट ओवर 49 इक्वल टू आर. आंसर इज 7 इक्वल टू आर. सो वी गॉट आर इक्वल टू 7. सिंपल, इतनी करना है बच्चों. ठीक है, आई होप को समझ में आ गया. और ये हमने पहले भी किया था इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. बट याद रखिए बच्चों यहाँ पे तीन चीज है. एक है डिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर. ओके, दिस इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्यू से लेके सी एंड दिस इज रेडियस. बस इतना दिमाग में रखिए. ओके बच्चों, स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. Okay, figure is given. So from the figure, can you get something given?
फिगर से क्या दिख रहा है बच्चों, आपको दिख रहा होगा टी पी एंड टी क्यू इज टेंजेंट, इज इट क्लियर? ओ पी एंड ओ क्यू इज रेडियस, ठीक है बच्चों? एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री। टू फाइंड स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू फाइंड सिंपली एंगल पी टी क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आपको ये एंगल निकालना है, जो बहुत आसान सा है। ध्यान से देखिए कैसे। सी, आई होप यू नो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दिस इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, एंड यू नो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। हियर ऑल्सो इट इज 90 डिग्री, ठीक है बच्चों? आप बताइए। एंड दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, पी ओ क्यू टी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल सेज दैट टोटल एंगल इज 360 डिग्री। सो एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री। यू नो थ्री एंगल, सो इजिली यू कैन हंट द फोर्थ एंगल। इज इट क्लियर? इट इज वेरी सिंपल। दिस इज लाइक 8th क्लास सम, जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल दिया होता है, आपको फोर्थ एंगल निकालना है, ठीक है बच्चों? चलिए लिखते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा टी पी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, सिमिलरली ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू टी क्यू। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एज पर थियरम 10.2, दैट्स ऑल। अब बच्चों तब बोल सकते हो एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। व्हाट इज एंगल टी? एंगल टी तो मालूम ही नहीं। टी प्लस 110 प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री बच्चों। एंगल टी इसको प्लस करेंगे तो 190 प्लस 90 180, 280, दिस इज 290 इक्वल टू 360। तो एंगल टी बच्चों कितना आ जाएगा? 360 माइनस 290, एंगल टी इक्वल टू 70 डिग्री। बस इतना ही है बच्चों, बस आपको मेन यहाँ लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एज पर थियरम काम खत्म, ठीक है बच्चों? फटाफट लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब बच्चों ये आपका सर्कल है, दिस इज द सेंटर, राइट? यू आर फ्रॉम द पॉइंट पी, आप दो टेंजेंट बना रहे हो, एक टेंजेंट है, दिस यू कैन कॉल इट एज पी ए, एंड अनदर टेंजेंट यू आर मेकिंग एंड दिस यू कैन कॉल इट एज पी बी, ठीक है बच्चों? एंड दिस टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच बच्चों कितना एंगल है? 80 डिग्री। दिस द सेंटर ओ, ठीक है? आपको निकालना है फाइंड पी ओ ए। पी ओ ए कैसे होगा बच्चों? पी ओ ए। तो बच्चों ये एंगल आपको निकालना है, इज इट क्लियर? तो कम ऑन, तो व्हाट इज गिवन बच्चों? सो व्हाट इज गिवन? गिवन इज पी
एंड पी बी आर टेंजेंट, एंगल ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, व्हाट इज ओ ए, चलो मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं, ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस। ठीक है बच्चों, टू फाइंड आपको निकालना है एंगल पी ओ ए, पी ओ ए। सो नेक्स्ट इज प्रोसीजर। अब बताइए बच्चों, आप ये एंगल कैसे हंट करोगे, एनी आइडिया यू हैव? सबसे पहले यू नो दैट ट्राई एंगल APO is congruent, APO is congruent to triangle BPO by RHS। ये कैसे आया आपको बोलने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इससे आपको ये पता चल रहा है बच्चों APO angle is equal to BPO, so you call this angle as CPCP, यानी this angle is equal to this angle। Therefore बच्चों यहां से आप निकाल सकते हो एंगल APO is equal to 80 by 2 which is 40। APO तो बच्चों ये पूरा एंगल आपको कितना मिला बताइए, 40, और ये पूरा एंगल भी आपको मिल गया 40। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट इज, यू नो दैट OA is perpendicular to AB, this is 90 degrees. Why? Because you know that radius is perpendicular to tangent as per theorem 10.2. Is it clear? So therefore you can say that angle OAP equal to 90 degree। ठीक है बच्चों, क्लियर। अभी आप ASP लगा सकते हो इन ट्राइंगल AOP, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P equal to 180 degree, ASP of triangle एंगल O। तो बच्चों आपको नहीं मालूम प्लस 90 प्लस 40 180, तो बच्चों सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, देयरफॉर एंगल पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री, ये एंगल मिल गया बच्चों आपको 50 डिग्री। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या लॉजिक यूज किया बताइए, ए पी ओ एंड बी पी ओ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दिस टू एंगल्स आर इक्वल। तो पूरा 80 था, तो ये 40, ये 40 बच्चों, और ये एंगल 90 है बिकॉज रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री है हमेशा। सो दिस 90, दिस 40, यू कैन गेट दिस एंगल ए ओ पी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो पहला हंट 80 को कट करना है, दूसरा हंट 90 को कैच करना है। 90 और 80 की हेल्प से आप एंगल को निकाल सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। दैट्स ऑल बच्चों, इतना ही है, करेक्ट? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज दैट प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो यानी आपको टेंजेंट बनाना है, कहाँ पे बनाना है बच्चों, एंड्स ऑफ ए डायमीटर। सपोज दिस इज ए सर्कल, दिस इज ए डायमीटर, दिस इज ए सेंटर ए एंड बी। ठीक है बच्चों, तो आपको एक टेंजेंट यहाँ बनाना है और दूसरा टेंजेंट यहाँ बनाना है। तो ये दो टेंजेंट बनाए हैं बच्चों मैंने, ठीक है। आप इसको नाम दे दोगे L, इसको नाम दे सकते हो M, ठीक है। यू हैव टू प्रूव दैट दिस टू टेंजेंट्स आर पैरेलल, आपको प्रूव करना है बच्चों ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज गिवन,
गिवन इज एल एंड एम आर टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए एंड बी. ठीक है बच्चों, टू प्रूव आपको बोलना है बच्चों एल इज पैरेलल टू एम. प्रूफ अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आई कैन से दैट लेट अस गिव सम नेम ए बी, दिस इज सी एंड यू विल गिव दिस नेम एज डी. ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं ये बोल सकता हूँ एंगल सी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री और वहाँ पे एंगल डी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री. तो बच्चों क्या थियरम है, द थियरम इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एज पर थियरम 10.2. ठीक है बच्चों, क्लियर. सो दिस इज 90 एंड दिस इज 90. फॉर द टाइम बीइंग आप ये सर्कल को भूल जाइए. सो हम ये सर्कल को भूल गए बच्चों, तो बताइए क्या हुआ है. नाउ यू कैन से दैट एल एंड एम आर लाइन्स एंड दिस ए बी, ए बी इज ट्रांसवर्सल. ठीक है बच्चों, नाउ व्हाट इज एंगल सी ए ओ प्लस एंगल डी बी ओ इक्वल टू 90 प्लस 90 180 डिग्री. तो लिखेंगे सिंस इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एल इज पैरेलल टू एम. क्योंकि मालूम है बच्चों आपको कि दिस इज ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड वेन एवर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री देन द टू लाइन्स विल बी पैरेलल. सो एल इज पैरेलल टू एम. तो बच्चों समझ में आ गया बच्चों, बस यही है आपको. अभी आप ये पूरा सर्कल को कंप्लीट कर सकते हो. क्लियर है? तो यानी दो लाइन पैरेलल कब होता है, दो तीन कंडीशन है बच्चों. पहला, व्हेन द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू लाइन्स आर पैरेलल. यानी देखिए ये लाइन है, जब ये दोनों एंगल इक्वल होगा बच्चों आप बोल सकते हैं दो लाइन पैरेलल है. दूसरा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स व्हेन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल देन टू लाइन्स आर पैरेलल बिकॉज दिस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग. तीसरा कंडीशन ये है बच्चों, व्हेन दिस टू सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180 डिग्री देन यू कैन से दैट दिस एल इज पैरेलल टू एम. सो दिस लॉजिक वी हैव यूज्ड ओवर हियर. इज इट क्लियर? ओके बच्चों, चलिए लिख दीजिए इसको फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए, क्या लिखा है. ये दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हम करेंगे नहीं, ठीक है ना, खाली डिस्कस करेंगे. द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, तो आपको सर्कल बनाना है बच्चों. तो ये पॉइंट ए है, तो यहाँ से आपको एक टेंजेंट बनाना है. ठीक है बच्चों, सो दिस टेंजेंट आई हैव ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये जो पॉइंट ए है बच्चों, ये सेंटर से
5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर, सो द लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों कन्फ्यूज मत हो जाना, क्या लिखा देखिए, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो दैट मीन्स दिस पॉइंट ए इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। पॉइंट ए इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। सो दिस 4 सेंटीमीटर यू हैव टू कनेक्ट विद द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सो दिस लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। सो दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। यू कैन नेम दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज बी। यू कैन जॉइन दिस। सो यू नो दिस, यू नो दिस, यू हैव टू फाइंड दिस रेडियस। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, तो बहुत बार ऐसा होगा बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे ये देख के कि ये जो 5 सेंटीमीटर है ये है लेंथ ऑफ द टेंजेंट और ये जो 4 सेंटीमीटर है ये है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ऐसा नहीं है बच्चों, लेंथ ऑफ द टेंजेंट को कनेक्ट किया गया है बाद में, विच इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको मैं और एक लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पे दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। ऑलवेज याद रखिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। एंड यू नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो दैट मीन्स अगर आपको कभी डाउट हो कि भाई ये दोनों में से कौन 4 है कौन 5 है, तो एक लॉजिक लगाना कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हमेशा बड़ा होगा। सो ये होगा 5 और ये हो जाएगा 4। और रेडियस में तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा कि ये रेडियस है। इज इट क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स? सो वंस अगेन जस्ट हैव अ स्मॉल रिविजन। वॉट इज ए बी? ए बी इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट। वॉट इज ए ओ? ए ओ इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर एंड ओ बी इज द रेडियस। इज इट क्लियर? सो टू थिंग्स आर गिवन, 4 इज गिवन, 5 इज गिवन, यू कैन ईजिली फाइंड अ रेडियस। ओके, यू हैव टू यूज द पाइथागोरस थियरम। द पाइथागोरस थियरम सेज दैट ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको ओ ए स्क्वायर मालूम है, आपको ए बी स्क्वायर मालूम है, आप ओ बी स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो। और ये 90 कैसा है बच्चों? दिस 90 यू गॉट बिकॉज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री यूजिंग थियरम 10.2। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, आपको मालूम है सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक व्हेन दे हैव सेम सेंटर। तो इसका सेंटर ये है बच्चों, रेडियस एक का है 5, एक का है 3। ठीक है बच्चों, सो हम एक का रेडियस मान लेते हैं 5 और एक का 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो बच्चों ये जो है आपका कॉर्ड है बड़ा सर्कल के लिए, ए बी जो छोटा सर्कल को टच करता है सी में। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ बिग सर्कल। सो दिस यू कैन टेक इट एज 5 सेंटीमीटर, दिस यू कैन टेक इट एज 3 सेंटीमीटर एंड सेंटर इज ओ। इज इट क्लियर? नाउ हाउ कैन यू फाइंड? यू नो दैट फॉर द स्मॉलर सर्कल ए बी इज अ टेंजेंट, सो टेंजेंट एंड रेडियस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। Now using Pythagoras theorem in OCB triangle you can hunt BC. Is it clear? So you will be getting BC as 4 सेंटीमीटर। इसको मैं रेड पेन में लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कितना मिलेगा? This you will be getting as 4 सेंटीमीटर। Now if you see the bigger circle, bigger circle को देखिए, छोटे circle को भूल जाइए। Now I have drawn perpendicular from the center to the chord. And whenever perpendicular is drawn from the center to the chord, it will bisect the chord. Yani this half and this half are equal. So that means if CB is 4 centimeter, AC has to be 4 centimeter. So in this circumstances, AB will be 8 centimeter. So ye jo pura AB hai bachcho, aapko mil jayega 4 plus 4, which is 8 centimeter. Clear hai bachcho? To aise karke aap aram se kar sakte ho. To bataiye bachcho, क्या समझ में आपको? तो पहले क्या करना है, सबसे पहले बताइए, कंसीडर ए स्मॉल सर्कल, फॉर स्मॉल सर्कल ए बी इज द टेंजेंट। नाउ द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। सेकेंड स्टेज, इन ट्रायंगल ओ सी बी यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड यू विल गेट बी सी। क्लियर? नाउ थर्ड स्टेज, फॉर द बिगर ट्रायंगल इफ यू सी
Perpendicular is drawn from the center to the chord and always the perpendicular bisects the chord. Is it clear? Bisects means C is the midpoint of AB. That means if this is 4 cm, this has to be 4 cm. That means 4 plus 4 is 8 cm. So the length of the chord is 8 cm. Clear hai bachcho, likh lenge? Chaliye, kar lijiye. Students, this is question number 8. तो बच्चों देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए. आपको ये प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी एंड ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल आपको दिख ही रहा है. ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जी और क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक सर्कल है. ठीक है बच्चों, चलिए. सो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स हाउ टू स्टार्ट. नाउ लेट अस कंसिडर ओनली दिस लॉजिक. ओके, वट इज ए एस? ए एस इज अ टेंजेंट. AP is a tangent. So you know that length of these two tangent must be equal because tangent drawn from an external point to the circle are equal as per theorem. ठीक है बच्चों, यहाँ भी देखिए ये theorem है आपका जो equal होता है, that is 10.2 theorem. ठीक है बच्चों, okay. Now you see DS equal to DR. So this two is equal. Here also CR is equal to CQ. Here also BQ equal to BP. ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप लिखोगे और देखिए यहाँ पे AB का दो सेगमेंट है, AP और BP. CD का दो सेगमेंट है, CD का दो सेगमेंट है बच्चों, CR और RD. AD का दो सेगमेंट है बच्चों, AS और SD. BC का दो टुकड़ा है बच्चों, क्यू सी और बी क्यू. तो आपको ऐसे अरेंज करना है कि ए बी और सी डी का टुकड़ा एल एच एस में गिरे और ए डी और बी सी का टुकड़ा आर एच एस में गिरे. ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे करना है. सबसे पहले मैं लिखता हूं ए पी इक्वल टू ए एस. देखिए बच्चों, ए पी जो ए बी का टुकड़ा है मैंने एल एच एस में लिखा और ए एस जो ए डी का टुकड़ा है मैंने उसको आर एच एस में लिखा. मैं चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकता था, ए एस इक्वल टू ए पी, बट इफ आई राइट लाइक दिस देन दिस एग्जैक्ट सेटिंग वी विल नॉट गेट. ठीक है बच्चों, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे तो फिर आपका जो मैचिंग है वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा. तो बच्चों ये हो गया नंबर वन. अब बताइए बच्चों, इसका तो काम हो गया. अब सेकंड में जाते हैं, ds इक्वल टू dr लिखूंगा कि मैं dr इक्वल टू ds लिखूंगा. cd, cd शुड कम ऑन lhs, सो आई विल राइट dr. तो मैं लिखूंगा बच्चों dr इक्वल टू ds. दिस इज नंबर टू. थर्ड का बताइए बच्चों, cr इक्वल टू cq लिखूंगा, cq इक्वल टू cr लिखूंगा. आई वॉन्ट cr ऑन lhs, तो मैं लिखूंगा सी आर इक्वल टू सी क्यू. दिस इज थर्ड. एंड हियर आई विल राइट बी पी इक्वल टू बी क्यू और बी क्यू इक्वल टू बी पी. आई वॉन्ट बी पी ऑन एल एच एस, सो आई विल राइट बी पी इक्वल टू बी क्यू. दिस इज फोर. तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है थियरम. थियरम का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बताइए. टेंजेंट ड्रॉन from an external point to a circle are equal. पूरा स्टेटमेंट ही हमने लिख दिया बच्चों. अभी मैं करूँगा add 1 + 2 + 3 + 4. तो बच्चों क्या हो जाएगा बताइए. ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर इक्वल टू ए एस प्लस डी एस बी क्यू. अरेंज कर दीजिए बच्चों. तो ए पी के साथ मैच होना चाहिए बी पी का, तो ए पी और बी पी को साथ लिखिए. डी आर का मैच होगा सी आर, मैंने अंडरलाइन कर दिया, या तो आप ऐसे करके बच्चों ब्रैकेट बना दीजिए. ए एस
का मैचिंग होना चाहिए डी एस के साथ बच्चों, ए एस डी एस तो साथ लिखा ही है तो बहुत बढ़िया है, ए एस डी एस मैं ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे सी क्यू प्लस बी क्यू, अब बच्चों इसको ऐड करिए, ए पी प्लस ये आ जाएगा बच्चों ए बी, डी आर प्लस आर सी ये आ जाएगा डी सी, ए सी ए एस प्लस एस डी बच्चों आप इसको लिखेंगे ए डी और ये आ जाएगा बी सी। लास्ट में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट काम लिखना है आपको, दैट इज हेंस प्रूव्ड, सिंपल है बच्चों। तो यानी इसका लॉजिक ये है कि मैंने थ्योरम 10.2 विच सेज दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल चार जगह लगाया, 1, 2, 3, 4 और ऐसे लगाया मैं कि ए बी का सेगमेंट यानी ए बी का टुकड़ा जो बी पी और ए पी है और डी सी का टुकड़ा जो डी आर और आर सी है वो एल एच एस में रहे, और ए डी का टुकड़ा ए एस और एस डी, बी सी का टुकड़ा बी क्यू और क्यू सी आर एच एस में रहे। फिर मैंने चारों इक्वेशन को ऐड कर दिया एंड आफ्टर दैट मैंने सेट कर दिया परफेक्ट मैच के साथ एंड आई गॉट द आंसर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो बच्चों हमने सब मिला के 7 क्वेश्चन किया है टोटल, इसमें से एक क्वेश्चन हमने स्किप किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th एंड रेस्ट 7 क्वेश्चन वी हैव डन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, समझ में नहीं आया है तो काइंडली कॉल करिए या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड फटाफट लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए बच्चों। तो क्लास थोड़ा लंबा हो गया तो फिर आप जो है नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल एंड वी विल रॉक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके चलो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।